काम हो रखा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी की पेंट चेक, ठीक है मेरी गाड़ी पूरी रैप है तो भैया कोई इशू नहीं है। अभी इसमें क्या रीडिंग आ रही है? 188 आ रही है, कुछ जगह 146 आ रही है, क्या मतलब हुआ इसका? अब नेक्स्ट चीज क्या है अपना भैया? टायर चेक होंगे, ठीक है। टायर की डेप्थ कितनी है वो चीजें चेक होती है। गाड़ी के जो है हम एसी चेक कर लेते हैं, इंजन ऑयल चेक करेंगे कि फिर से वाला है। हाँ, क्योंकि अच्छा चंदन एक चीज बताओ कि कितने किलोमीटर हमें चलानी होती है सब चेक करने के लिए? कम से कम 1 किलोमीटर चला के देखना होता है। अच्छा नवीश भाई, नवीश भाई क्या गाड़ी निकल गया हमारी गाड़ी? देखिए सर, आपकी गाड़ी में जो टोटल नंबर ऑफ बीडर्स लाए हैं, आपकी गाड़ी पे 360 प्लस बीडर्स ने आपकी गाड़ी में पार्टिसिपेट किया है। सो हे गाइस, व्हाट्सअप बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की वैल्यू निकलवाने कार्स 24 में। बेसिकली क्या क्या क्राइटेरिया बेसिस पे हमारी गाड़ी चेक होगी, कितनी गाड़ी की वैल्यू निकले, क्योंकि आपको पता है गाड़ी में इनफ काम हो रखा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी की वैल्यू पास चले। पहले ही बता दो, गाड़ी सेल नहीं कर रहा, बस वैल्यू निकलवाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल कंसर्न है। मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। एक चीज आपको क्लियर करता हूँ, जितना भी मॉडिफिकेशन हम काम कराते हैं, मैं कराता हूँ, आप कराते हो, उसकी एसएच वैल्यू हमको नहीं मिल पाती, क्योंकि मॉडिफिकेशन की हमेशा कम वैल्यू ही मिलती है हमको। करते हैं वीडियो स्टार्ट, कैसे मैं अपॉइंटमेंट बुक करता सब कुछ आगे आपको दिखाऊंगा। मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, तो आ जाओ। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक ओपन करके आपने चेक करनी है आप कहाँ रहते हो, दिल्ली रहते हो, एक्स वाई जेड प्लेस रहते हो। मैं दिल्ली रहता हूँ तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, कौन सी कंपनी की गाड़ी, टोयोटा, मारुति सुजुकी, हुंडई, तो मेरे पास मारुति की गाड़ी मैंने सेलेक्ट करी। उसके बाद कौन सी गाड़ी आपके पास, स्विफ्ट है, वैगन आर है, ऑल्टो, उसका सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने बताना है कौन सी आपके पास गाड़ी, LXi, VXi, ZXi प्लस। सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे आना है, कौन सी DL, HR, UP, कहाँ की गाड़ी है। DL की गाड़ी है मेरी, तो DL का कौन सा नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मेरी आती है 8C में। 8C सेलेक्ट करने के यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर डालना है। गाड़ी के इंस्पेक्शन की तरफ चलने से पहले यहाँ पे RC, इंश्योरेंस, सब कुछ यहाँ पे चेक किया था, तो मेरे फोन में ही था, तो मैंने सर को यहाँ पे फोन से दिखा दिया था। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी का इंस्पेक्शन स्टार्ट होने से पहले भैया पहले नाम बता दीजिए अपना। चंदन। चंदन भैया क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं थोड़ा बताइए जरा। पहले आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ठीक है, वो हमने दिखा दिए। एक्सटीरियर चेक होगा, ठीक है, उसके बाद इंटीरियर चेक होता है, ठीक है, उसके बाद टेस्ट ड्राइव होगी, ठीक है, टेस्ट ड्राइव में सस्पेंशन चेक हो जाते हैं, ठीक है, इंजन की परफॉर्मेंस चेक होती है, उसके बाद देन आपके क्या कहते हैं इंजन चेक होगा, ठीक है, उसके बाद ऑक्शन निकलेगा अपना, ठीक है। तो जैसी फर्स्ट स्टेप क्या अपना, पेंट चेक, ठीक है। मेरी गाड़ी पूरी रैप है तो भैया कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मतलब हम चेक करते हैं वो पेंटिंग में काउंट होगा, ठीक है। एक बार करके दिखाइए कैसे क्या करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कहाँ से चेक करेंगे भैया? पेंट चेक करेंगे, जैसे ये आ रही है तो ये पेंट में काउंट होती है, ठीक है। आपकी रैप है तो पूरी की पूरी, हाँ, जैसे हमने रूफ चेक करते हैं सबसे पहले, हाँ, ठीक है, रूफ चेक करेंगे जो कि हमारा 100 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो ये पेंट में काउंट हो जाते हैं। अच्छा अगर मैं चाहे गाड़ी रैप करा लूँ तब भी मेरे कराने पे तो रैप में आ जाता है, वो मॉडिफाई दिखा दी उसे, ठीक है, हाँ, ये क्योंकि पेंट का था ऐसे पता नहीं चलेगा, हाँ, बट ये 6-7 महीने पुरानी गाड़ी है, स्टॉक पेंट है, तो वो चीजें हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इसे जो रैप है आपने, हाँ हाँ, ठीक है, इसे एक्चुअली पेंट और मॉडिफाई में कर देंगे इसे, ठीक है, पेंट भी है और मॉडिफाई भी है, ठीक है। अभी इसमें क्या रीडिंग आ रही है, 188 आ रही है, कुछ जगह 146, हाँ, आ रही है, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अगर आपकी रैप नहीं होती तो ये पेंट में काउंट होती, ठीक है, क्योंकि 100 से ऊपर जो भी रहेगा वो आपका पेंट ही काउंट होता है। अच्छा 100 से ऊपर, ठीक है ठीक है ठीक है। अपना नेक्स्ट चीज क्या अपना चंदन भैया? पिक्चर का होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे चंदन भैया प्रॉपरली फोटो ले रहे हैं एक्सटीरियर की, तो हमारा एक्सटीरियर था पूरी फोटोग्राफी हो चुकी है। नेक्स्ट चीज क्या अपना भैया? टायर चेक होंगे, ठीक है, टायर की डेप्थ कितनी है वो चीजें चेक होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6.4 mm है, ठीक है, मतलब कितना है? ये हमारे ओके कंडीशन में है, ओके कंडीशन में, ठीक है, प्लस होता है, हाँ, तो आपके 6.4 है, तो ज्यादा अभी चले नहीं, क्योंकि नियर अबाउट ये 2000-3000 मैंने चला दिया था, अब 10,000 गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ही अपने चंदन भैया इंटीरियर में आएंगे हम, ठीक है, ठीक है, इंटीरियर वाला पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है, कितनी गाड़ी चलेगी। इंटीरियर में आप चेक करेंगे, ठीक है, चारों पावर विंडो का वर्किंग है नहीं है, ठीक है, तो सारे चार पावर विंडो चेक करेंगे। भैया मेरी जो स्विफ्ट है बेस मॉडल है, ये गत्ता ऐसा नहीं आता, इसको मैंने प्रॉपर अंदर से भी मॉडिफाई करवा दी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आपने मॉडिफाई कराई है, फिर भी हम आपने जो भी चीजें इसके अंदर मेंशन करी, हाँ हाँ, चारों पावर विंडो है, बिल्कुल सही, चार पावर विंडो वर्किंग है नहीं है, ठीक है, सारी हमारे इसमें ऐप में मेंशन होती है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे पास मॉडिफाई गाड़ी भी है वो भी हम सेल कर सकते हैं, तो आप चारों पावर विंडो कंडीशन में, तो गाड़ी के जो है हम एसी चेक कर लेते हैं, ठीक है, बाकी रनिंग क्लच दबा के भैया। अब यहाँ पे हमारा जो इतना भी इंटीरियर उसका पूरा फोटो
लेने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इंटीरियर में। पहले फ्रंट का ले गए हमारे चंदन भैया, फिर पीछे की सीट का ले गए। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो गए, प्रॉपरली शो करना होता है कि ये कुछ गाड़ी का इंटीरियर है। यहाँ पे अब हम टेस्ट ड्राइव की तरफ चल चुके हैं। तो चंदन भाई मेरे को एक चीज बताओ कि टेस्ट ड्राइव में क्या क्या चीज चेक होती है हमारी? टेस्ट ड्राइव में आपके सस्पेंशन चेक हो जाते हैं गाड़ी के, ठीक है, इंजन परफॉर्मेंस पता चल जाता है और क्लच का पता चल जाता है कि कितनी आप गाड़ी की कंडीशन कैसी है, ठीक है, ठीक है, स्टीयरिंग ये सब चीजें चेक हो जाती है इसके अंदर। तो मेनली मतलब फोकस हमारे रहते हैं सस्पेंशन वगैरह चेक करना गाड़ी की। अच्छा चंदन मेरे को एक चीज बताओ, कितने किलोमीटर हमें चलानी होती है सब चेक करने के लिए? कम से कम 1 किलोमीटर चला के देखना होता है। अच्छा, मीटर भी चल रहा है, नहीं चल रहा इसका, अच्छा, सारी परफॉर्मेंस पता चल जाती है ना गाड़ी की। ठीक है, ठीक है। अब हम आ चुके हैं टेस्ट ड्राइव के बाद, तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो रहा है चंदन भैया थोड़ा समझाओ। इंजन चेक होगा, ठीक है, ये पूरी गाड़ी मॉडिफाई में आएगी अपने, ठीक है। तो अभी हम क्या क्या चीज चेक करेंगे? इसकी रिसेंटली सर्विस हुई थी, इंजन ऑयल है, उसकी क्या कंडीशन है? ओके कंडीशन में, रिसेंटली सर्विस हुई थी इसकी, नियर अबाउट 400 किलोमीटर चली है बस गाड़ी। नहीं, इंजन ऑयल ओके है, ठीक है, ठीक है। बाकी अब इंजन ऑयल, इंजन की आपकी वीडियो बनेगी, ठीक है, क्या देखने के लिए? कि इंजन के कोई साउंड तो नहीं है, इंजन बैक तो नहीं मार रहा, अच्छा, बैक कंप्रेशन और इंजन का साउंड के लिए, ठीक है, वीडियो बनती है, 20 सेकंड की वीडियो बनेगी। चंदन भैया, अब हमारे साथ सर आपका नाम नवीश, नवीश भैया, नवीश का क्या वैल्यू निकल गया हमारी गाड़ी? देखिए सर, आपकी गाड़ी पे जो टोटल नंबर ऑफ बीडर्स रहे हैं, आपकी गाड़ी पे 360 प्लस बीडर्स ने आपकी गाड़ी में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकल गया है भाई, 5,15,000 रुपए, ठीक है भाई। ये जो मेरी गाड़ी थी, ये जो बिडर होते हैं, ये अलग ही स्पेसिफिक बिडर होते हैं, क्योंकि स्टॉक गाड़ी तो रही नहीं मेरी, पूरी मॉडिफाइड गाड़ी। आपकी मॉडिफाइड कार है तो उसके लिए हमारे पास अलग बिडर होते हैं, जो की डिमांडिंग कार को बाय करते हैं, जैसे कोई लग्जरी सेगमेंट में आ गई या फिर आपकी मॉडिफिकेशन कार आ गई, ठीक है, ठीक है। तो 5,15,000 रुपए हमारा आपका प्राइस आया, ठीक है भैया। मेरे को एक चीज बताओ कि हम कार 24 पे ही क्यों बेचे, बाकी एक्स्ट्रा? अच्छा नवीश भाई, बहुत लोग के हमें डाउट रहता है कि कार 24 जो है वो बाकी डीलरों से जो एक्सपायर से डीलर है कैसे वो अलग है, थोड़ा डाउट क्लियर करो सबका। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी कंपनी है वो बेसिकली किस हमारी जो मेन फोकस रहता है वो हमारा रहता है सबसे पहली बात फ्री आरसी ट्रांसफर का, ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ हम इंस्टेंट पेमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अगर मेरे को आज मेरी गाड़ी बेच दी मैंने, ऑनलाइन आपकी पेमेंट अभी के भी आपके अकाउंट में, ठीक है। और नेक्स्ट चीज, ठीक है, और तीसरा आपको मिलता है बेस्ट प्राइस की गारंटी हम बोलते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि जो बिडिंग का पार्टिसिपेशन होता है पैन इंडिया लेवल पे होता है, ठीक है, ठीक है। थर्ड आपको जो मिलेगी वो आपको बेस्ट प्राइस की गारंटी मिलेगी, और फोर्थ, ठीक है, लास्ट आपका रहेगा सिंगल विजिट सर्विस रहेगी, क्योंकि मतलब जो प्राइस रहता है वो सेम डे के लिए वैलिड रहता है, और सेम डे अपने डील करके जा सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, कार्स 24 कैसे बाकी डीलर से अलग है, फ्री आरसी ट्रांसफर आपको मिलता है, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आने आप सब कुछ बैठे बैठे। साथ ही साथ आपको कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसी मिल जाती है, वो क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ, जब तक आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो जाती है आपको 10,00,000 का कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसी मिल जाती है। अच्छा, जैसे मैंने गाड़ी आपको भेज दी, आप जब तक मेरा आरसी ट्रांसफर नहीं होगा बाई चांस मेरी गाड़ी ठुक जाती है, सारी लीगल और फाइनेंशियल लायबिलिटी, इवन चालान की भी जो लायबिलिटी है कार 24 के ऊपर। अच्छा, मेरा अगर ट्रैफिक पुलिस वाले सर ने किसी ने चालान कर दिया तो वो सब आपके ऊपर आएगा, ठीक है। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज बनती है, कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से कहा था, मैं आपको कार 24 का पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी भैया लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों के मन में डर रहता है कि हम गाड़ी बेचने जाए, कैसे बेचने जाए, थोड़ा सिनेरियो ऐसा बन चुका है COVID-19 की वजह से। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसीजर आपको दिखा दिया, कैसे कैसे स्टेप फॉलो होते हैं, क्या क्या चीज चेक होती है। वैल्यू जो थी 5,15,000 नवीश भाई ने हमको बता दी, 5,15,000 कहीं ना कहीं ठीक लगे मेरे को, बट जैसा कि आपको पता है दिल से गाड़ी बनाई है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था गाड़ी बेचने में जा रहे हैं हम लोग, सिर्फ आपको पूरा प्रोसीजर दिखाने रहे, कैसे कार 24 का पूरा प्रोसीजर होता है, कैसे इंस्पेक्शन डन होती है, कैसे ऑप्शन होता है, सब कुछ। अगर आप भी चाहते हो गाड़ी सेल करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्या करना आपने कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आना, लिंक ओपन करना, वेबसाइट ओपन होती है आपको दिख जाएगी, वहां पे आपने शेड्यूल कर दिया अपने अपॉइंटमेंट, जिस दिन आप फ्री हो शेड्यूल करके आप कार 24 अपने नियर बाय आप विजिट कर सकते हो, वहां पे अपनी गाड़ी की वैल्यू निकलवा के आप ऑन द स्पॉट बेच सकते हो, क्योंकि गाड़ी बेचना बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद भी लाइक कर देना मत जाना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यहाँ तक मिलेगी, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करो दोस्त फैमिली और सब तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नवीश भी हम ना भाई ऐसे करते हैं, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नवीश भी।
बाय। Hey!